जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल साइकिल। हम सेल के बारे में जानते हैं कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और लाइफ की हमने क्या एग्जाम्पल दी थी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जब अपना लाइफ स्पैन जो है, अपने टाइम पीरियड जो है, वो जिंदगी जो गुजारती है उसको हम लाइफ कहते हैं, और लिविंग थिंग क्या होती है, वो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सबसे छोटा जो यूनिट है लाइफ का, जिंदगी का, वो सेल है। तो सेल जो है वो डिवाइड भी करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा और अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस करेगा। यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को कहते हैं, ठीक है। अब सेल साइकिल क्या होगा? सेल साइकिल ये होगा कि जब सेल जो है अपने लिए या अपने जैसे अपने लिए तमाम ऑर्गेनेलिज और तमाम प्रोडक्ट्स कंप्लीट बना लेगा, कंप्लीट चक्कर करेगा, और उसमें क्या होगा कि एक और भी सेल प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो पूरे का पूरा साइकिल होगा जिसमें वो ये सारे प्रोसेसेस करेगा, उसको हम एक कंप्लीट राउंड कहेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल जो होगा, सेल इसलिए हम इसको साइकिल कहते हैं कि वो इस सारे प्रोसेसेस से गुजर कर अपने लिए या पूरे की पूरी जो उसको ऑर्गेनाइज चाहिए या मशीनरी चाहिए वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो साइकिल क्या होता है? राउंड होता है। ठीक है, सेल जो है वो सेल साइकिल जो है उसको हमने दो मेन प्रोसेसेस में डिवाइड किया है। हम यहाँ इसकी डिवीजन लिख लेते हैं। सेल साइकिल जो है वो दो फेजेस से गुजर कर होता है। फेजेस क्या होते हैं? वो स्टेज होती है जिसमें से गुजर कर सेल जो है अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो सेल साइकिल की मेन डिवीजन्स हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं। एक होती है इंटरफेज। इंटरफेज जो होती है वो अभी डिवीजन से पहले होती है, जिसमें सेल अभी प्रिपेयर कर रहा होता है, और इसमें बाकी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास इंटरफेज है, और दूसरा हमारे पास क्या है? माइटोटिक फेज, यहाँ हम लिख लेते हैं। माइटोटिक फेज जो होता है उसमें सेल डिवाइड करता है, अपने जैसी कॉपी जो है प्रोड्यूस करता है। ये हम अलग डिस्कस करेंगे, अभी हम जो है वो सिर्फ इंटरफेस पे फोकस करेंगे कि सेल जो है वो किस तरह अपने लिए तमाम चीज़ें जो है वो बनाता है और कैसे वो सारे ऑर्गेनाइज को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, माइटोटिक फेज हो गई। अब जो है हम डिवाइड करेंगे इंटरफेस को फर्दर आगे। हमारे पास इसकी दो मेन इसकी फेजेज हैं, पहले हम वो लिख लेते हैं। एक एस फेज है, ठीक है, एस फेज जो होती है इसको सिंथिसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं। एस फेज हो गई, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सिंथेसिस फेज, जिसमें कोई चीज़ बनेगी, इसमें डीएनए जो है वो अपनी सिंथेसाइज करता है, एक और कॉपी बनाता है, क्योंकि जब उसने डिवाइड होना है तो दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे सेल में जाएगी। ठीक है, इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज हो गई, इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी जी फेज है। जी का जैसे हमने फर्स्ट वर्ड लिया है, जी जो होता है वो स्टैंड करता है फॉर ग्रोथ और गैप, दोनों के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो इसमें आगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन फेजेज में। ठीक है, वो हमारे पास आ जाती हैं G1, ठीक है, जिसमें पहले ग्रोथ होगी, उसके बाद G2 आती है, सेकंड ग्रोथ फेज होता है, और G0 जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास फेजेज हैं। तो इस तरह हम सेल साइकिल के पहले उसकी मेन टू फेजेज हैं, उसके बाद आगे उसकी इंटरफेज की आगे दो और फेजेज हैं, एस और जी फेज। इसके बाद हमारे पास जो जी फेज है उसकी भी फर्दर तीन डिविजन्स हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इन तमाम फेजेज में क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये पूरे का पूरा सेल साइकिल है। ठीक है, जिसमें एम फेज जो है हम माइटोटिक फेज को कहते हैं, बाकी ये G1, एस फेज और G2 जो है ये इंटरफेस में आती हैं। ठीक है, तो अब इंटरफेस की जो हमारे पास ये तीनों फेजेज हैं, G1, एस और फेज और G2, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन फेजेज में आखिर होगा क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं G1 फेज। ठीक है, इसको जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं ग्रोथ फेज भी कहते हैं, ग्रोथ वन कह सकते हैं और गैप भी कहते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज हो गई है हमारे पास। अब इसमें होगा क्या? जारी बात है, ग्रोथ हो रही है तो सेल जो है वो साइज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, साइज में इंक्रीज करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिससे सेल के डिफरेंट ऑर्गेनाइज भी बनेंगे और उसका साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइबोसोम्स हो गए और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सिंथिसाइज करेगा, डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनली यहाँ हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएंगे। तो इस ब्रैकेट में हम इसकी एग्जांपल भी लिख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनली हमारे पास हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और साथ में हमारे पास क्या आ जाएंगे? फॉर एग्जांपल राइबोसोम लिख लेते हैं इधर। ठीक है, राइबोसोम ये सारे के सारे ही जो हैं ऑर्गेनलीज दोबारा से वो अपने लिए कॉपी करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने सेल ने डिवाइड करना है तो उसको सारी की सारी जो है ऑर्गेनाइज की जरूरत होगी। ठीक है, इसके बाद वो इंजाइम्स हैं जो कि इस सारे प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। इंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, ये रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, यहाँ हम इंजाइम लिख लेते हैं, हमारे पास इंजाइम हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास G1 फेज है, जिसमें हमने देखा कि क्या हो रही है, ये G1 फेज में सारी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब S फेज, इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है, उसे हम S फेज कहते हैं। ये हमारे पास G1 फेज था, ये हमारे पास कौन सा फेज है?
ये हमारे पास फेज है एस फेज, इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं एस फेज और साथ में ब्रैकेट में इसका फुल नेम भी लिख लेते हैं कि सिंथेसिस हो गया। अब किस चीज की सिंथेसिस होती है? फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हमारे पास डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, इनके डीएनए जो है अपनी एक और कॉपी बनाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं डीएनए सिंथेसिस होगी, डीएनए सिंथेसिस होगी। और डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होता है, तो यू कैन से कि जो हमारे पास क्रोमोसोम होगा वो डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा, क्रोमोसोम फॉर्मेशन लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, डुप्लीकेशन लिख सकते हैं, डुप्लीकेशन। अब जो हमें ये पता है कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी टू फेज। अब जी टू फेज जो होती है उसमें स्पिंडल, अब जो फेज हमने इसने जाना है आगे, ये देखें जी टू के बाद फौरन ये माइटोटिक फेज में जाता है। तो अगर उसने अगले साइकिल में जाना है तो उसको जो जो उस फेज में जरूरत है चीज़ों की, उसमें क्या होगा कि ये अपने लिए स्पिंडल फाइबर और बनाएगा ताकि ये माइटोटिक फेज में एंटर हो सके, जो जो मटीरियल उसको वहाँ चाहिए। ठीक है, इसको हम ग्रोथ फेज टू कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रोथ फेज है ये भी, लेकिन साथ में ये है कि सेकंड फेज है इसका। ठीक है, ग्रोथ का। अब इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो क्या बनाएगी? वो जो उसको माइटोसिस के लिए चाहिए मटेरियल वो बनाएगी। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो धागा नुमा रेशे होते हैं जिसमें जाके क्रोमोसोम अटैच होता है। तो ये माइटोसिस में सब कुछ होता है, तो उसके लिए जो उसको मटेरियल चाहिए वो इसमें बनेगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी और सेल जो है साइज में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, फिर ही वो डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रो इन साइज। इसके बाद जो हमने तीसरी पढ़ी थी वो जी नॉट फेज थी। जी नॉट फेज क्या होती है? जिसमें ग्रोथ नहीं होती। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि ये जो हमारे पास माइटोटिक फेज में डिवाइड करके सेल नया बन जाएगा। ठीक है, दोनों एक जैसे सेल बनेंगे तब साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन जो हमारे पास जी नॉट फेज है उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसको हम जी नॉट फेज कहते हैं। हम देखते हैं उसमें क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जी नॉट फेज होती है उसमें हमारे पास कुछ सेल ऐसे आते हैं जो कि एक खास हद तक जब डिवाइड कर जाते हैं तो उसके बाद वो जो है डिवाइड नहीं करते। ठीक है, परमानेंटली उसमें स्टे करते हैं। वो हमारे पास कौन से हैं? हम यहाँ लिख लेते हैं। जो परमानेंटली स्टे करते हैं वो न्यूरॉन के सेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जी नॉट फेज में परमानेंटली रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये परमानेंटली जी नॉट फेज में रहेंगे, परमानेंटली। ठीक है, और जारी बात है ब्रेन के सेल्स ग्रो कर जाएंगे, वो दोबारा से ग्रो नहीं करेंगे, जी नॉट फेज में रहेंगे। वो सेल प्रेजेंट होगा आपके पास, उसके ऑर्गेनाइज भी होंगे, लेकिन उसको जरूरत नहीं है डिवाइड होने की। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्प्रेरी जो है उसमें स्टे करते हैं, वो हमारे पास होते हैं लीवर सेल और किडनी सेल्स। टेम्प्रेरी जी नॉट फेज में चले जाते हैं लेकिन दोबारा वो डिवाइड कर लेते हैं, लीवर सेल्स हो जाते हैं और किडनी सेल्स हैं। ठीक है, ये डिवाइड भी कर सकते हैं जब इन्हें जरूरत होती है, ये दोबारा डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम आप कहते हैं टेम्प्रेरी फॉर द टाइम बीइंग जो है ये नॉट परमानेंटली, ये परमानेंटली नहीं जाते। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं नॉट परमानेंटली, दोबारा से अगर इन्हें जरूरत होती है दोबारा से ग्रो भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऐसे सेल हैं जो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं जाते। ठीक है, नेवर अटेम्प्ट जी नॉट फेज, वो होते हैं एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं। वो इसका मतलब है कि वो डिवाइड करते रहेंगे स्किन में। आपको पता है अगर कोई चोट लग जाए तो थोड़े दिनों बाद हमारे पास वहां पर दोबारा स्किन ग्रो कर जाती है। इसका मतलब है उसके सेल में ये खूबी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जी नॉट फेज को कभी भी नहीं देखेंगे क्योंकि जी नॉट फेज जो है वो उसमें ग्रोथ नहीं होती, वो एक जो है नॉट फेज है जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो स्किन सेल है यहाँ पे नेवर, ये कभी भी इसमें एंटर नहीं होंगे, नेवर एंटर इन दिस फेज। ठीक है, नेवर इसमें कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जी नॉट फेज। तो आज हमने सेल साइकिल पढ़ा है जिसमें हमने जी उसकी फेजेस देखी हैं, जी वन एस फेज और जी टू फेज। इसके बाद हमने उसके पहले जो हमने मेन में सेल साइकिल को डिवाइड किया था दो साइकिल में, माइटोटिक फेज, इंटरफेज, और इंटरफेज में जो हमने एस फेज जी फेज की फर्दर तीन थी, इन तीन को हमने डिस्कस किया है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम माइटोटिक फेज को देखेंगे कि वो कैसी होती है और उसमें कैसे डिवीजन होती है।